और बड़ी खबर, हाथरस के लिए रवाना हुए प्रियंका और राहुल गांधी को रास्ते में रोक दिया गया है। तस्वीरें देखिए, प्रियंका गांधी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस गाड़ी से जा रहे थे उस गाड़ी को रोक दिया गया है। प्रियंका और राहुल का काफिला रास्ते में रोक दिया गया। राहुल और प्रियंका हाथरस में जिस दलित लड़की के साथ रेप हुआ की घटना हुई और उसके बाद जिसकी मौत हो गई अस्पताल में, उसके पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और इनको बीच में ही रोक दिया गया है। राहुल प्रियंका का कहना है कि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। जब इनके काफिले को रोक दिया गया तो आप देखिए कैसे राहुल गांधी पैदल ही आगे बढ़ चले। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार को नजरबंद किया गया। प्रियंका ये कह रही हैं कि यूपी में अन्याय पर अन्याय हो रहा है। प्रियंका कह रही हैं कि पीड़ित परिवार को चुप करवाना चाहती है सरकार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं इस समय यमुना एक्सप्रेसवे पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पैदल चल के जा रहे हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ पर जो है लोगों से बातचीत कर रही हैं और आगे जो है हाथरस की ओर पैदल ही चल के जा रहे हैं। आपको यह दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के अंदर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर जो है यमुना एक्सप्रेसवे वॉक कर रहे हैं। मैम यमुना मैम तो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें यमुना एक्सप्रेसवे की हैं जहां पर राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने। हाथरस में धारा 144 लगा दी गई है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को बीच में ही रोक दिया गया, जिसके बाद दोनों पैदल आगे बढ़ चले। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की। हाथरस में एक दलित परिवार की लड़की के साथ रेप और उसके बाद उसकी हड्डी तोड़ने का मामला सामने आया। अस्पताल में इलाज के दौरान उस लड़की की मौत हो गई। उस लड़की को पीड़ित परिवार से मिलने ये दोनों नेता जा रहे थे, जिनको बीच में रोक दिया गया। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, तस्वीरें हम देख रहे हैं, हाथरस जाते वक्त प्रियंका और राहुल गांधी को रोक दिया गया, दोनों पैदल ही आगे बढ़ चले। अभी क्या अपडेट है? देखिए इसमें हम यमुना एक्सप्रेसवे पे, और आप देख सकते हैं जो पीछे मेरे हैं ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं और उनके साथ उनके तमाम कांग्रेस समर्थक हैं। बहुत सारे जो नेता थे उनको पीछे रोक दिया गया। इसी के चलते ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर मार्च शुरू कर दिया। वो इसे कह रहे हैं कि सत्याग्रह मार्च है। यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे हम इसमें यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होता है, वहीं से पैदल चल रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी और ये लोग हाथरस तक यूं ही पैदल चल के जाएंगे। जी हाथरस तक यूं ही पैदल जाएंगे। और यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं दोनों ने। यूपी की सरकार पर प्रियंका गांधी काफी हमलावर है, क्या कह रही हैं, कुछ बताएंगे आप? देखिए जहाँ तक राहुल गांधी प्रियंका गांधी का सवाल है, दोनों कह रहे हैं कि उनको हाथरस के विक्टिम्स के पास जाके मिलने दिया जाए और यहाँ पर जो है ये लोग पैदल जो है मार्च कर रहे हैं और यहाँ से कहा जा रहा है कि हाथरस से पैदल जाएंगे। इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है और यह ऐसे स्टेप्स उठाए जाने चाहिए जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।